इंकर्ट गुरु के हिंदी जीके और हिंदी करंट अफेयर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। हिंदी सामान्य ज्ञान तथा हिंदी करंट अफेयर्स को समर्पित चैनल है। यह चैनल प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे SSC, IBPS, बैंकिंग, राजस्थान RPSC, MPPSC, UPSC, BPSC, JPSC, RRB, UPSC इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंकर्ट गुरु। The 17th of April 2018 Current Affairs Quiz. 1. ई-वे बिल प्रणाली कितने राज्यों में शुरू की गई है? Answer 5. Explanation. ई-वे बिल प्रणाली 5 अप्रैल 2018 से शुरू की गई। यह राज्यों के बीच आपसी माल परिवहन के लिए शुरू की गई है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल में शुरू की गई है। इनसे राज्यों में व्यापार को बढ़ोतरी मिलेगी और पूरे देश में एक समान ई-वे बिल लागू करने में बहुत सहायता मिलेगी। सरकार ने पूरे देश में 1 अप्रैल से 50,000 या इससे अधिक रुपए के माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल प्रणाली को शुरू किया है। यह अब ऑनलाइन बनेगा, जो पहले कागजों पर बनता था। यह GST लागू होने के कारण शुरू की गई है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक बिल होगा। 2018 पुलित्ज़ पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर न्यूयॉर्क टाइम्स। एक्सप्लेनेशन। 2018 के पुलित्ज़ पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स को घोषित किया गया है। इन पुरस्कारों की घोषणा 16 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की गई। ये पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों जोडी कैंटोर तथा मैगन ट्वोही तथा द न्यूयॉर्कर के पत्रकार रोनन फेरो को संयुक्त रूप से दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ खोजी पत्रकारिता का पुरस्कार स्टाफ ऑफ वाशिंगटन पोस्ट को मिला। 3. 29वें अरब लीग सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर सऊदी अरब। एक्सप्लेनेशन। 29वें अरब लीग सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। यह 15 अप्रैल को किया गया है। इसका आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जा रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्देल अल जुबेर ने कहा है कि इसमें फिलिस्तीन मुद्दे को प्राथमिकता दी जाएगी और जेरूसलम को अमेरिका द्वारा इजराइल की राजधानी बनाए जाने का विरोध किया जाएगा। इसमें ईरान के खिलाफ देशों की गुटबाजी भी करने का ध्यान दिया जाएगा। अरब लीग अरब देशों का समूह है, जिसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को की गई। 4. विश्व हीमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 17 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन। विश्व हीमोफिलिया दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल 28वां विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाया जा रहा है। इस साल हीमोफिलिया डे की थीम शेयरिंग नॉलेज है। हीमोफिलिया एक विशेष बीमारी है, जिसमें मरीज में खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन फैक्टर 8 नहीं बनता। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। भारत में इसके मरीजों की संख्या 17,000 है। 5. वर्ष 2018 में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर 7.3%। एक्सप्लेनेशन। विश्व बैंक ने वर्ष 2018 में भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है। यह विकास दर 2018 और 2019 में 7.5% रहेगी। विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था GST और नोटबंदी के प्रभाव से निकल चुका है। देश के थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में मार्च में कुछ गिरावट हुई है। भारत में
2017 की विकास दर 6.7% रही थी। विश्व बैंक ने यह भी बताया कि भारत को हर साल 81 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। 6. सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? आंसर मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सासन गांव में है। यह पावर प्लांट सासन पावर लिमिटेड के अधिकार में है, जो रिलायंस की एक सब्सिडियरी है। कोयला खदान के साथ सासन UMPP विश्व में सबसे बड़ा एकीकृत कोयला कम पावर प्लांट है। 7. राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस अभिनेता को मिला है? आंसर अभिनेता धर्मेंद्र। एक्सप्लेनेशन: राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को मिला है। निर्देशक राजकुमार हिरानी को राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिला है। धर्मेंद्र बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता हैं, जिन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में कार्य किया है। उन्होंने शोले, भागवत, हुकूमत, धर्मवीर, तहलका, पुलिस वाला गुंडा, यमला पगला दीवाना, जीने नहीं दूंगा, अलीबाबा 40 चोर, गुलामी, चुपके चुपके, जुगनू, समाधि, राजा जानी, दोस्त, इज्जत, कोहराम, बंदिनी जैसी कई फिल्मों में कार्य किया है। राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। 8. सुरेंद्र निहाल सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से थे? आंसर पत्रकारिता। एक्सप्लेनेशन: भारत के प्रसिद्ध पत्रकार सुरेंद्र निहाल सिंह का 89 साल की उम्र में नई दिल्ली में 16 अप्रैल 2018 को निधन हो गया। उन्होंने अनेक अखबारों में अनेक पदों पर कार्य किया, जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर इन चीफ, द स्टेट्समैन में चीफ एडिटर, खलीज टाइम्स में एडिटर के पद पर कार्य किया। वो 1987 में द इंडियन पोस्ट के फाउंडिंग एडिटर थे। उन्हें इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एडिटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। उन्होंने मॉस्को, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, लंदन में विदेशी पत्रकार के रूप में कार्य किया। उनकी प्रमुख पुस्तकें द रॉकी रोड टू इंडियन डेमोक्रेसी, नेहरू टू नरसिम्हा राव, द योगी एंड द बियर, स्टोरी ऑफ इंडो सोवियत रिलेशंस, द गंग एंड 900 मिलियन ए चाइना डायरी हैं। 9. IIT खड़गपुर के अध्ययन में सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण क्या बताया गया है? आंसर सूखा। एक्सप्लेनेशन: IIT खड़गपुर में भूगर्भ शास्त्र भूभौतिकी विभाग के शोधकर्ताओं ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण सूखा बताया गया है। IIT खड़गपुर के अध्ययन में यह पाया गया है कि यह सूखा पूरे 900 साल चला था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक सभ्यता थी, जो सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। यह आधुनिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और आधुनिक भारत के राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फैली हुई थी। इसके विनाश का कारण अनेक विद्वानों ने अलग अलग बताया गया है। 10. भारत वाइसबेडन सम्मेलन 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: भारत वाइसबेडन सम्मेलन 2018 का आयोजन नई दिल्ली में 16-17 अप्रैल 2018 को किया गया। सम्मेलन का शीर्षक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1540 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार उद्योग भागीदारी के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना था।
वाइसबेडन प्रक्रिया 2012 में जर्मन सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें। कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझावों का भी स्वागत रहेगा। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इंकार्ट गुरु। थैंक्स।